हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 2 है आपका, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम वीडियो के अंदर देखेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 2, जिसको करने का जो मैक्सिमम टाइम रहेगा आपके पास रहेगा 3 आवर्स। ओके, आज इस वर्कशीट नंबर 2 के अंदर में जो आपकी यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें से हम आपको क्या देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे जिसका आपको क्या देना है, टेस्ट देना है। और ये जो टेस्ट जो है वो आपको 3 घंटे के अंदर अंदर क्या कर देना है, कम्प्लीट कर देना। ठीक है, पहले आप टेस्ट देंगे, फिर अपने आंसर्स जो है मैं इसी वर्कशीट में आपको क्या करूंगी, इसी वीडियो के अंदर इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी, जहां से आपको क्या करने हैं, अपने आंसर्स जो है वो टैली करने हैं। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को एक तो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, और वीडियो को देखने के बाद ही आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और इसको जितने भी क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, मतलब उसको आप क्या करेंगे, ये वीडियो जो है वो शेयर करेंगे। ओके, इस तरीके से जब आप टेस्ट देंगे तो आपका स्पीड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कितने मार्क्स एग्जाम में लेकर आ रहे हैं, तो उसका एक आपको जो है वो आइडिया जो आएगा। ओके, तो लेट मी स्टार्ट वर्कशीट नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले आपकी ये जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है। इन सब में आपको इक्वेशन बनानी है, प्लस उसके मतलब फिर उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, तो वीडियो की स्क्रीन को आप यहाँ पे 45 मिनट के लिए, 30 से 45 मिनट के लिए पॉज कर देंगे। अभी जैसे ही मैं बोलती हूँ उसी टाइम आपको पॉज कर देना है और अपना टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट करना है। लेकिन इसके लिए आप जो अपनी घड़ी होती है उसके अंदर 45 मिनट का टाइम लेकर जो है वो चलेंगे। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो टेस्ट कंप्लीट होंगे। जब आपके 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं या टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसकी जो नेक्स्ट स्क्रीन है वहां पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 का क्या क्या देना है, आपको टेस्ट देना है। ये तीनों भी जो है वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, इन तीनों में भी आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसके लिए आप क्या करेंगे, 30 से 45 मिनट्स का टाइम लेंगे और 45 मिनट के लिए वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे, घड़ी में टाइम में नोट करेंगे और अपना टेस्ट देना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब टेस्ट कंप्लीट होगा तभी आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, इसके बाद में आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 2.2 के ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट देना है। तो वीडियो की स्क्रीन को 30 मिनट के लिए ही पॉज करना है आपको यहाँ पे, और अपना जो है टेस्ट देना जो है स्टार्ट करना है। ये दोनों भी वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनानी है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो 30 मिनट पॉज दे करके अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद में आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम है दोनों। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती है इसमें जो सबसे पहले गिवन होता है वो आपको देना पड़ता है, और फिर उसके बाद में आपको इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो की स्क्रीन को आप 30 मिनट के लिए पॉज करेंगे और अपना टेस्ट देना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 30 मिनट के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 30 मिनट मतलब ये दोनों भी वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनानी है, प्लस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मतलब वीडियो की स्क्रीन को यहाँ पे 30 मिनट के लिए पॉज कर देंगे, और 30 मिनट के बाद में आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे आपका जो टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट 2 के अंदर सारे मतलब जो एक्सरसाइज 2.2 के हैं उसका मैंने क्या ले लिया है, टेस्ट ले लिया है। अब क्या होंगे, जब मतलब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है ना, सपोज आपको पहले क्वेश्चन दूसरे करने हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो बैक में जाके। ओके, वीडियो को अब हम देख, अब जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 की जो वर्कशीट नंबर जो 2 थी, इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन 1 दिया गया है उसके अंदर आपको इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन के अंदर जो आपने वेरिएबल लिया था उसका मतलब उस वेरिएबल की मतलब वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर उस वेरिएबल का जो आंसर है वो है 3/4। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर अपना मेथड चेक करना है, अगर आपका आंसर जो है कितना आ गया है, 3/4 आ गया है, तो भी आपको अपना मेथड चेक करना है। और अगर आपका आंसर नहीं आया है तो आपको यहाँ पे ये वाली वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके पूरे मतलब इसको एक नोटबुक में लिख लेना है। ठीक,
है, और इसके बाद में ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी अपनी नोटबुक में लिख के या यहीं से सीख कर कि कैसे कैसे स्टेप जो आया है वो क्या कर सकते हो, इससे यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्शन वर्क आपको क्या करना हैंड टू हैंड करना है। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर टू था, ओके, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपको जो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल थी उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो उसका जो ब्रेथ है वो, उसका आंसर है वो है 25 मीटर, और जो उसका लेंथ है वो है 52 मीटर। ठीक है, तो आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके अपना सॉल्यूशन जो है वो चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर जो थ्री था उसके अंदर जो आइसोस्केलस ट्रायंगल था उसकी एक साइड आपको दी गई है, बाकी दोनों साइड जो है वो आपको निकालनी है। तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पे ये होगा, जो दोनों साइड जो थी उसका जो लेंथ होगा वो 7/5 या 1/2/5 होगा। ठीक है, तो अपना जो सॉल्यूशन जो है इस वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, प्लस उसके बाद में ये स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो अपना जो सॉल्यूशन जो है वो चेक करेंगे। ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर फोर था उसके अंदर आपको क्या करना था कि कोई भी दो नंबर थे उनका जो सम था वो 95 था, उनके बीच में जो मतलब एक नंबर है उसको आपने 15 बढ़ा दिया है, तो आपको वो जो दो नंबर जो आपने लिए थे ना क्वेश्चन फोर में वो फाइंड आउट करने थे। तो वो जो दोनों नंबर जो होंगे वो है 44 एंड 55। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन जो है वो वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन फोर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी तरीके से जो क्वेश्चन फाइव था उसके अंदर भी आपको जो दो नंबर आपने इस क्वेश्चन के अंदर लिए थे जिनके बीच का रेशियो 5:3 था, उनके बीच में जो डिफरेंस था वो 18 था। ठीक है, तो वो दोनों नंबर आपको फाइंड आउट करने थे। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला नंबर जो था मतलब वो जो दोनों नंबर थे, एक नंबर होगा उसमें से 45 और दूसरा नंबर होगा 27। ठीक है, तो वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके सॉल्यूशन चेक करते जाना है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसके अंदर तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो कौन से हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो उसका आंसर होगा 16, 17, 18। तो यहाँ पे भी आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपना आंसर जो है वो चेक करेंगे। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उसके अंदर आपको थ्री कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर मतलब तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने थे, तो वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो है वो आपको निकालने थे, तो उसके आंसर जो है वो कौन से होंगे यहाँ पे, तो वो होंगे 288, 296 एंड 304। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उसका सॉल्यूशन जो है यहाँ से वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके चेक करेंगे, और इसके बाद में ये जो थोड़ा जो सॉल्यूशन नीचे रह गया है उसको यहाँ से क्या करके आप चेक करेंगे। ठीक है ना, तो आपको अगर गलती हो रही है तो करेक्शन वर्क जो है एक एक क्वेश्चन का उसी टाइम ही करते हुए जाना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट के अंदर आपको क्या करना था, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने थे। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्वेश्चन नंबर एट के अंदर आपको निकालने थे, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा 789। ठीक है, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है तो आपको इस स्क्रीन को पॉज कर देना है और अपने आंसर्स को क्या करना है, टैली करना है। ओके, और इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन नंबर नाइन है इसके अंदर आपको यहाँ पे राहुल और हेरोन जो है उनकी जो प्रेजेंट एज जो है वो निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल की जो प्रेजेंट एज है उसका आंसर है 20 ईयर्स, जो हेरोन की प्रेजेंट एज है वो है 28 ईयर्स। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है तो पॉज कर दीजिए, मेथड चेक करने के लिए भी करेंगे प्लस करेक्शन वर्क करने के लिए भी करेंगे। ओके, इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर टेन है, क्वेश्चन नंबर टेन के अंदर आपको क्या करना है कि मतलब आपको बताया गया कि बॉयज और गर्ल्स है किसी क्लास में, उसका रेशियो दिया हुआ आपको बताना है कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो टोटल बच्चे जो है वो क्लास के अंदर है 48, और ठीक है, और बॉयज कितने हैं वो है 28, गर्ल्स कितनी है 28, तो तीन आंसर्स जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये मतलब क्वेश्चन नंबर टेन का हुआ सॉल्यूशन, प्लस उसका आंसर स्क्रीन पॉज करना है मेथड के लिए प्लस करेक्शन वर्क के लिए। ओके, फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर आपको मतलब वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें जो बेंचोंग होते हैं, बेंचोंग जो है ना एक बच्चा, उसकी मतलब एज बतानी है, उसके फादर की एज बतानी है प्लस ग्रैंडफादर की, तीनों की एज बतानी है। तो यहाँ पे तीनों के आंसर है कि बेंचोंग की एज जो है वो 17 ईयर्स है, उसके फादर की एज है 46 ईयर्स है, उसके जो ग्रैंड फादर है उसकी एज है 72 ईयर्स। ठीक है, तो अपना सोल्यूशन चेक करिए, अपना आंसर जो है इस सोल्यूशन से चेक करना है। फिर आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके अपना आंसर जो है यहाँ से टैली करेंगे, करेक्शन करेंगे गलत हुआ तो। ठीक है, ये आपको इतना करना है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको पूछा गया है रवि की प्रेजेंट एज। ओके, तो यहाँ पे जो रवि की प्रेजेंट एज है वो है 5 इयर्स। ठीक है, तो वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके सॉल्यूशन प्लस करेक्शन वर्क।
अब हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको क्या पूछा गया है कि कोई भी एक रैशनल नंबर लेना है, तो मतलब इसमें आपको एक इक्वेशन बनानी है, फिर फाइंड लास्ट में आपको वो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसका जो आंसर है, वो जो रैशनल नंबर होगा, वो है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर देना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इक्वेशन बना देनी है यहाँ तक आपको, फिर उसके बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर लेके आना है -1/2। ठीक है, तो वीडियो की स्क्रीन को पॉज करते जाना है सॉल्यूशन के लिए, मेथड के लिए। क्लियर। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको इसके अंदर ये पूछा गया है कि जैसे लक्ष्मी जो है वो एक बैंक के अंदर कैशियर है, उसके पास 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के भी नोट है, 10 रुपए के नोट है, तो उसके पास टोटल कैश भी पता है कि इतना है कि 4 लाख है। ठीक है, लेकिन उसके पास 100 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपीज के नोट कितने हैं, 10 रुपीज के नोट कितने हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा कि उसके पास 100 रुपए के जो है वो 2000 नोट है, 50 रुपए के 3000 नोट है, 10 रुपए के 5000 नोट है, तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया है मैंने, तो अपना मेथड चेक करना है, गलत है तो करेक्शन वर्क करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसके अंदर भी सेम ही क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको ये बताना है कि मतलब 1 रुपए के मतलब कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। तो इसका जो आंसर जो है वो आप मतलब सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, और जो इसका फाइनल आंसर रहेगा कि 5 रुपए के 20 कॉइन है, 2 रुपए के 60 कॉइन है, और 1 रुपए के जो है वो 80 कॉइन है। ठीक है, तो ये पूरा ये एक तो ये स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ये स्क्रीन पॉज करनी है, प्लस क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपको ये स्क्रीन जो है वो पॉज करनी है। ठीक है, जो ऊपर वाली ये जो स्क्रीन थी इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाया है, और इसके बाद में इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके आपको बताया है। ठीक है, ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसके अंदर फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, आपको यहाँ पे विनर्स का नंबर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका पूरा यहाँ पे एक मेथड दिया गया है, और जो यहाँ पे विनर्स का जो नंबर है वो है 19। ठीक है, तो अपना जो सॉल्यूशन जो है वो क्या करना है, आपको यहाँ से क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, अगर आपका राइट है तो भी एक बार मेथड जो है वो आप इस सॉल्यूशन से जरूर चेक करेंगे, और गलत आ रहा है तो पूरा वर्क करेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कहाँ मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग आ रहे हैं। अगर आप मतलब पूरा करेक्शन वर्क कर लेते हैं तो इसके बाद में 2 या 3 बारी क्या करेंगे, इस वर्कशीट इस मतलब चैनल पे आके इस वर्कशीट नंबर जो 2 है, चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज 2.2 की जो वर्कशीट नंबर 2 है, उसका क्या करेंगे, यहाँ पे आप आकर टेस्ट देंगे। तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्लस आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अगर आप इस तरह से मतलब 2 या 3 बार इस तरह मतलब वर्कशीट मतलब यहाँ पे आके इस वर्कशीट का टेस्ट देते हैं तो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो क्या करना है आपको, आपको लोग एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।